ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अगली खबर प्याज की, जी हाँ, जिसके दामों ने लोगों के आंसू निकाल दिए हैं। पूरे देश भर में बढ़ते प्याज के दामों को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में भी लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिली। आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है लोगों का। बहुत तकलीफ हो रहा है, प्याज इतना महंगा हो गया है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। 90 रुपए किलो है तो हम हफ्ता में आधा किलो ही लेके काम चला रहे हैं। खाने में अपना अलग ही स्थान रखते एक महत्वपूर्ण चीज है प्याज, जो कि आज रेट बहुत ज्यादा हो जाने से बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत सामना करना पड़ रहा है। सरकार को जल्द से जल्द कोई फैसला लेके प्याज का रेट कम करना चाहिए, जिससे पब्लिक को और आम आदमी को सुविधा हो। से चिल्लर में अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि एक एक बोरे में 5-5, 7-7 किलो प्याज खरीदने में जा रहा है और ये 75 रुपये 74 रुपये खरीदी है। और ये 74-75 रुपये खरीदने के कारण क्या है, तो जो ठेके वाले को उसको भी तो हमको जोड़ना पड़ेगा ना, हम लोग तो चिल्लर व्यापारी हैं इसलिए महंगा पड़ रहा है। एशिया की जो प्रमुख मंडी है नासिक की, वहाँ पर प्याज जो है थोक रेट जो है 800-900 रुपये किलो है, लेकिन उससे ही लगा हुआ जो हमारा जिला है ना, महाराष्ट्र से लगा हुआ जिला राजनांदगांव में, वही प्याज के दाम उसके 10 गुना बढ़े हुए हैं। इसका जो प्रमुख कारण जो है वो है कालाबाजारी। कालाबाजारी के कारण ये आज दाम जो है आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो शासन प्रशासन इन कालाबाजारियों के व्यापार जो हैं उनको संरक्षण प्राप्त है, और मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करें ताकि जो प्याजों के दाम जो हैं आज जो वर्तमान जो कीमत है उससे वो कम से कम दाम 10 से 15 रुपए तक आ जाएं। बहुत ज़्यादा व्यापारी लोग भी कई जगह भंडारण करके रखे हुए हैं, तो कई जगह सस्ता और कई जगह महंगा दे रहे हैं। वही प्याज राजनांदगांव वाले व्यापारी भी वहां से ला रहे हैं, तो उसी को अगर हम वहां पर वो 45 या 35 रुपए दे रहे हैं तो यहां भी वही रेट होना चाहिए।